गुड मॉर्निंग माय डियर। तो आज हम लोग नया चैप्टर, नए उत्साह से, नए सेशन में शुरू करने जा रहे हैं। माई सेल्फ के कुंवर, और आप देखेंगे इस वीडियो को अपना प्यारा चैनल आभा फिजिक्स पर। तो हम लोग शुरू करें इस क्लास 12 का नया टॉपिक। तो यह टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इसी चैप्टर्स के अंदर हम लोग सारे चीज का डिस्कशन करेंगे। और आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैट आपका फर्स्ट यूनिट है, जो जिस यूनिट का मार्क्स जो है वह 7 मार्क्स है। 7 मार्क्स अवार्ड किया गया है। तो 7 मार्क्स का 2 चैप्टर्स बनेंगे। एक चैप्टर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर है। तो इस चैप्टर्स में बिल्कुल नए जोश और नए उत्साह के साथ इसको शुरू करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक जो आता है इस चैप्टर का, वह है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने से पहले हम लोग डिफाइन करें इस इलेक्ट्रोस्टैट को। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? यदि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखेंगे तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स है, दैट इज इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, ठीक है। ठीक है, ये इसको यदि देखते हैं तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रिसिटी इसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी और एस्थेटिक्स का मतलब आप लोग जानते हैं, दैट इज रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, इट मीन्स यहां पर जो भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, लेकिन वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का जो मेन काउज है ना, इसको क्या कहेंगे, मेन जो थिंग्स हैं, वो थिंग्स को यदि हम लोग कहें तो दैट थिंग्स इज चार्ज, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विथ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। अब यहां पर एक बात आती है कि चार्ज एट रेस्ट तो है, लेकिन इस चार्ज एट रेस्ट से हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जो पढ़ेंगे इस चार्ज एट रेस्ट के कारण जो इसका इम्प्लीकेशन होगा, वह होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो इतने सारे चीज़, और ये आपको कैपेसिटर भी इसके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। तो इतना जो है इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा यदि चार्ज रेस्ट में होता है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये चार्ज जो है, चार्ज, इस चार्ज के बारे में देखें कि ये चार्ज हमें मिलता कहाँ से। तो आप जानते हैं कि चार्ज जो है, कोई भी एटम है, उस एटम को यदि देखेंगे तो इस एटम का देखिए न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वह रिवॉल्व करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो
चार्जेज जो हैं, ये चार्जेज अब हमारा इसी के आधार पर ये जो चार्ज हमको है ये अभी यहाँ दिख रहा है आपको कहाँ, ये जब एटम को देखेंगे तो जो चार्ज मिलेंगे हमको, तो चार्ज कहाँ मिलेंगे, सरफेस पर। चार्ज जो मिलेंगे हमको सरफेस पर, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के सरफेस पर आपको चार्ज मिलेंगे, इनसाइड चार्ज नहीं होंगे, इनसाइड चार्ज नहीं होंगे, इनसाइड चार्ज जीरो हो जाएंगे आपके। तो इनसाइड चार्ज नहीं मिलेंगे आपको, जो भी चार्ज मिलेंगे सरफेस पर मिलेंगे, इसलिए हम यहाँ पर टर्म हम लोगों को आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, और उस पर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग को जो शुरू करना है इस चार्ज के बारे में, ये चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, चार्ज कैसे हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या ट्रांसफ़र हम लोग वायर के थ्रू ही कर सकते हैं, यदि वायर नहीं है तो वायर के बिना भी कर सकते हैं, तो इस पर हम लोगों को डिस्कशन करना। तो अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, देखें कि ये शुरुआत हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं जिससे एक बच्चे को समझने में अच्छा हो, ठीक है। तो इसको समझना है, मज़ा आवे इसका प्रयास हमेशा करना। तो यहां देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज वन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, ओके। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो बात अभी है, जो सामने आई है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम एक आपको चार्ट देते हैं, ये चार्ट के थ्रू हम लोग इसको खूब बढ़िया से समझेंगे। पहला ये इस चार्ट में देख देंगे कि रब यदि करते हैं किसी दो सब्सटेंस को, रब यदि करते हैं तो रब के बाद पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है, उसका एक पेयर भी होते हैं, उस पेयर से रिलेटेड कुछ बात मैं यहाँ आपको कर रहा हूँ। पहला है ग्लास रॉड, ठीक है, ग्लास रॉड को रब किया जा रहा है, किससे रब करेंगे, तो सिल्क क्लॉथ से, फिर दूसरा आपको उलेन क्लॉथ से, उलेन क्लॉथ से हम लोग रब कर सकते हैं, किसको किसको रब करेंगे, तो अंबर रड है, प्लास्टिक शीट है, अंबर रड, प्लास्टिक शीट, ठीक है, और रबर। तो ये जो है आपको इसमें देखेंगे हम लोग कैसे क्या होता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव किस तरह से डेवलप करता है। तो इस सीट इतना ही, इस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा। अब आप ले लें एक ग्लास रॉड, सपोज कीजिए कि ये ग्लास रॉड है, और इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया, सिल्क क्लॉथ से रब किया गया। तो सिल्क क्लॉथ से जब रब किया जाता है तो क्या देखा जाता है कि ये ग्लास रड, ठीक है, यहाँ पर ये हैंडल है, इस ग्लास रड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये सिल्क क्लॉथ
जो है ये सिल्क क्लॉथ पर आपको निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ देखिए काइंड ऑफ चार्ज भी आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ये सबसे पहले ग्लास रड के बारे में ये कहे हैं, तो ग्लास रड क्या था? न्यूट्रल था। सिल्क क्लॉथ के बारे में कहें तो सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल था तो रब जब किया गया तो आफ्टर रबिंग क्या देखते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। यही नहीं, यहाँ पर आप देखिए उलेन क्लॉथ है, उलेन क्लॉथ यदि प्लास्टिक शीट को रब करता है तो, या अम्बर रड को, या ये रबर शूज को यदि इससे रब किया जाए तो क्या होगा कि इस पर, यहाँ पर हम एक दे दें, ये जो हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ग्रुप है और ये हो गया आपका नेगेटिव ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ क्लियर कर दिए। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, व्हाई, रीजन क्या है? रीजन देखिए एक वर्ड है, वह उस वर्ड को देखेंगे तो वह है वर्क फंक्शन। यह वर्क फंक्शन जो है डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट होता है वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन है क्या कि अब कोई भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को वो उस सब्सटेंस के पास निश्चित तौर पर चार्जेज हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यदि उस चार्ज को हम उस चार्ज को लेना चाहते हैं तो लेने के लिए क्या करना होगा, यदि वहाँ से निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, उसको सर्टेन एनर्जी सप्लाई करना होगा और उस सर्टेन एनर्जी के बाद वह इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्क फंक्शन जो है उस सब्सटेंस से रिलेटेड है, तो इस वर्क फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटेरियल या मेटेरियल ऑब्लिक सब्सटेंस, ये हो गया। अब यहां पर बात आती है कि यदि ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है, दोनों को रब किया गया, तो दोनों को जब रब किया गया तो क्या हुआ कि ग्लास रड का वर्क फंक्शन, यहाँ देखेंगे वर्क फंक्शन को W से और यहाँ पर ग्लास WG कर दिया, इसको यदि कहें वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास, और यहाँ के हैं वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क, तो यहाँ क्या होता है कि वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास एंड वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क, चूंकि रब किया जा रहा है, रब जब किया जाएगा, ये मान लीजिए कि क्लॉथ सिल्क क्लॉथ है और इस क्लॉथ सिल्क क्लॉथ से इसे रब किया गया, रब किया जा रहा है, तो रब जब किया जा रहा है तो क्या हुआ, वहाँ पर हम लोग इनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है। और उस इनर्जी को जो गेन करता है आइदर ग्लास रॉड और सिल्क सिल्क क्लॉथ, अब जिसका वर्क फंक्शन लेस होगा, जिसका वर्क फंक्शन लेस होगा क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा,
और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वह क्या होगा, चूंकि दोनों टच में है तो वह इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पर जाएगा। तो अब देखिए यहाँ सिल्क क्लॉथ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, सिल्क क्लॉथ पर इलेक्ट्रॉन आया तो सिल्क क्लॉथ के पास पहले तो यह सिल्क क्लॉथ न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन का एबंडेंस हुआ, इलेक्ट्रॉन का एबंडेंस होने से यह सिल्क क्लॉथ क्या हुआ, निगेटिवली चार्ज हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ पर गया, कहाँ से गया है वो, ऑब्वियसली यहाँ पर ग्लास रॉड है तो ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पर गया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ, वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ। ठीक है, तो ये लेस वर्क फंक्शन होने के कारण ये जितना एनर्जी इसको मिला उस एनर्जी में यह क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकला तो वह इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर चला गया, तो यही रीजन है। ठीक है, तो मेन इसका वर्क फंक्शन होता है, ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो ये रीजन भी हम लोगों ने समझ लिया कि ये क्या होता है। आगे अब हम लोग आगे चलें कि ये जो है इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। प्रॉपर्टीज यदि हम लोग देखें तो प्रॉपर्टीज को देखने के बाद क्या क्या हो सकता है, इसको देखिए। सॉरी प्रॉपर्टीज से पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लें कि इस चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होता है। प्रॉपर्टी से पहले ये जानना जरूरी है कि चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो देखिए चार्ज का ट्रांसफ़र दो मेथड से होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज या वो या यहां क्या कहेंगे चार्जिंग ए बॉडी, एक बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी बॉडी है तो कोई भी सब्सटेंस है तो उसको कैसे चार्ज किया जा सकता है। देखिए चार्ज करने का भी दो मेथड है, एक हुआ चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा हुआ चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब यहां देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन इट मीन्स यह कैसे होता है कि यहां पर यह हो गया व्हेन टू बॉडीज टू और मोर देन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, दे शेयर चार्जेज, दे शेयर चार्जेज। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, दो बॉडी जब क्या हो रहा है कि कॉन्टैक्ट में, ठीक है, जब कॉन्टैक्ट में रहेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को चार्ज करेगा, चार्ज जो है वह शेयर करेगा। ये सपोज कीजिए यहाँ पर एक बॉडी, ठीक है, इस पर तत्काल मैं एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आया था जो आपको इसी साल है ना,
इस बार मैं क्वेश्चन ही दे देता हूँ। क्वेश्चन ये आपको 2019 में आया है, कौन में, CBSE AISSE में, ठीक है। इसका क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स है ना, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स, ओके, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी, ये आइडेंटिकल है, थोड़ा सा देखने में जो भी लगे, लेकिन दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़ा कोशिश में करता हूँ, आइडेंटिकल हो जाए, ए एंड बी, ठीक है। एक पर चार्ज है माइनस क्यू, एक पर माइनस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है और दूसरे पर, इसको ऊपर ही रखते हैं, एक पर माइनस क्यू चार्ज और दूसरे पर जो है दैट इज प्लस थ्री क्यू, एक पर माइनस क्यू दूसरे पर प्लस क्यू चार्ज है रिस्पेक्टिवली, दे आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी अपार्ट। पहले ये दोनों को कॉन्टैक्ट में लाया गया और कॉन्टैक्ट में लाने के बाद क्या हुआ, इस दोनों को, ये दोनों जो ए एंड बी है, इसको डी डिस्टेंस से दूर कर दिया गया, ए एंड बी को। अब बताइए दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने के कारण अब ये दोनों शेयर करेंगे, जब ये शेयर करेंगे तो ये क्या हो गया, थ्री क्यू माइनस क्यू अपॉन टू हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, टू क्यू अपॉन टू दैट इज क्यू। अब इस दोनों पर क्यू चार्ज आ गया, दोनों पर क्यू चार्ज आ गया और वह चार्ज क्यू क्या है, प्लस है। अब दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सिव, सबसे पहले फोर्स का नेचर क्या होगा, फोर्स का नेचर यदि देखें तो ये नेचर आपको रिपल्सिव होगा। यदि आप रिपल्सिव लिख देते हैं तो आपको वन मार्क्स मिल जाएंगे। यदि आपको फोर्सेज भी निकालना है तो डिस्टेंस दिया हुआ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड यदि निकालिएगा तो यह क्या होगा, 1/4π ε0 क्यू वन क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर, ये आपको फोर्स का ये हो जाएगा। तो दोनों चीज हुआ, ठीक है। तो क्या है, ये जब भी कोई कॉन्टैक्ट में आएगा, आइडेंटिकल है तो शेयरिंग ऑफ द चार्जेज होगा, ध्यान देना। ये हो गया, दूसरा भी ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जैसे प्लस थ्री क्यू के बदले यहाँ सपोज कीजिए कि फाइव क्यू होता, यदि यह फाइव क्यू होता तो फाइव क्यू माइनस क्यू दोनों मिलकर के फिर क्या होता है, फोर क्यू, टू क्यू टू क्यू दोनों में आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपको। दूसरा हम लोग देखें, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन को देखें, टेम्पररी, यहाँ पर इसको लिखें, टेम्पररी इलेक्ट्रीफिकेशन ऑफ द बॉडी
टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी कीपिंग द चार्ज बॉडी चार्ज बॉडी नियर बाय कीपिंग द चार्ज बॉडी नियर बाय ये हुआ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी कीपिंग द चार्ज बॉडी नियर बाय है ना नॉट इन कॉन्टैक्ट। इससे पहले हम लोगों ने कॉन्टैक्ट करके चार्ज किया था बॉडी को, यहां पर जो है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां इंसुलेटिंग स्टैंड है, इस इंसुलेटिंग स्टैंड पर हम लोग एक स्फीयर को लेते हैं। स्फीयर को लेके ध्यान देना है कि यदि हमको इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या होगा, यहाँ पर निगेटिवली चार्ज बॉडी लाना होगा है ना, जस्ट उल्टा एंड वाइस वर्सा। अब हम यहाँ पर ग्लास रॉड ले आए, ये ग्लास रॉड लिए और इस ग्लास रॉड को बिल्कुल यहाँ नज़दीक लाए। नज़दीक जब लाते हैं इस ग्लास रॉड को तब क्या होगा, यहाँ जो फोर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ फोर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उससे वो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा और यहाँ जहाँ अट्रैक्ट हो रहा है देखिए ये आ गया ये, तो ये तो कहीं से, ये तो पहले न्यूट्रल था, ये स्फीयर जो था पहले न्यूट्रल था, अब यहाँ इसके कॉन्टैक्ट इसको नज़दीक लाने पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इसके नज़दीक आ रहा है ना, ये ग्लास रॉड जो है, इस ग्लास रॉड को जब इस ये जो मेटालिक सरफेस है मेटालिक स्फीयर इस मेटालिक स्फीयर के पास लाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नज़दीक आएगा और जब इलेक्ट्रॉन नज़दीक आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो है ऐसे ये दोनों मिला करके ये कहलाता है बाउंड चार्ज, ध्यान दीजिएगा इंडक्शन में जो ये क्या हुआ, ये इंडक्शन करने वाला सब्सटेंस है, ये जो फेनोमेना है, ये जो इवेंट है, इस इवेंट में मेन रोल में है, तो इससे जो नज़दीक जो चार्ज है वह बाउंड चार्ज कहलाता है और इससे जो दूर है वह चार्ज क्या कहलाएगा, फ्री चार्ज, यह हो गया फ्री चार्ज। अब इस फ्री चार्ज को हम लोग एक स्टेप हुआ, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे ही डेवलप हुआ तो यहाँ इसको हम अर्थ कर दिए, ये अर्थ कर दिए, जब अर्थ यहाँ पर अर्थिंग दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, हो गया। अब देखिए अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना होगा कि इसको अर्थिंग को अब हटा दिए, जैसे ही चार्ज इधर चला गया अर्थिंग हट गया, अर्थिंग हटने के बाद इसको भी हटा दिए तो इस पर अब क्या होगा, अर्थिंग भी हटा दिए, ये जो सोर्स है जिसके कारण कि ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है इसको भी हटा दिए, अब ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन हैं चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इस तरह से यह जो बॉडी हो गया यह हो गया क्या, निगेटिवली चार्ज बॉडी।
ये निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, ठीक है। तो यहाँ हो गया पॉजिटिवली चार्ज, यदि करना था तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना था, दूसरा चीज लेते, दूसरा चीज ले करते जो कि निगेटिव का होता, ठीक है। तो ये हो गया आपको चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। आशा करता हूँ कि मज़ा आ रहा होगा। आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पर इसको दूसरा टॉपिक्स में ले चलते हैं। क्वेश्चन है एक, इसी साल पूछा गया है, ए मेटालिक स्फेरिकल सेल, लिख देता हूं, ए मेटालिक स्फेरिकल सेल, मेटालिक स्फेरिकल सेल हैज एन इनर रेडियस, हैज एन इनर रेडियस आर वन एंड आउटर रेडियस आर टू, आउटर रेडियस आर टू, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर ऑफ द, सेंटर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, ठीक है। व्हाट विल बी What will be charge on? What will be charge on a spherical cell? A spherical cell 1 and 2. स्फेरिकल सेल 1 and 2, दैट इज इनर एंड आउटर, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए ऐसे स्थिति में हम लोग यहाँ देखिए क्यू चार्ज यहाँ, ठीक, क्यू चार्ज यहाँ है, तो अब बताइए जब क्यू चार्ज है तो यहाँ क्या होगा, इस क्यू के कारण यहाँ पर जितना है ये निगेटिव हो जाएगा, ये फर्स्ट सेल होगा और ये सेकेंड सेल है, तो फर्स्ट सेल पर यहाँ क्या होगा, माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट अभी हम लोग देखिए, ये अपोजिट किसके कारण हुआ, ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्जेज, ये निगेटिव हो गया तो ये क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो चार्ज हो गया है ना इनर सेल पर, इनर सेल पर चार्ज आपका क्या होगा,
चार्ज ऑन इनर सेल हो गया माइनस क्यू, और एंड आउटर सेल, आउटर सेल पर क्या हो गया प्लस क्यू। ठीक है, ये आपको डेंसिटी में भी लिख कह सकता है। यदि डेंसिटी में होगा, ठीक है, चार्ज ऑन यहाँ हो गया, डेंसिटी यदि पूछेगा डेंसिटी में, तो डेंसिटी ऑन इनर सेल, डेंसिटी ऑन इनर सेल क्या होगा माइनस सिग्मा, डेंसिटी ऑन आउटर सेल प्लस सिग्मा। ठीक है, तो चार्ज में पूछेगा तो माइनस क्यू प्लस क्यू, डेंसिटी में ये सिंपल सा फंडा है कि ये डेंसिटी जो होता है क्यू अपॉन एरिया, एरिया सबका अपना अपना है, तो ये जो होगा फोर फोर पाई आर वन स्क्वायर, और ये माइनस में ये हो गया माइनस के बाद प्लस क्यू अपॉन फोर पाई आर टू स्क्वायर, आर वन आर टू दिया हुआ है, तो ये हो गया सिग्मा निकल जाएगा। इसमें तो सेल का है बात, सेल का जो रेडियस होगा उसी तरह से हो जाएगा। क्यों, अब ये हुआ। अब इसमें एक और बात है कि डेंसिटी की यदि हम लोग बात करते हैं तो डेंसिटी में क्या होगा, इसका रेडियस कम है तो इसका डेंसिटी चेंज करे, चार्ज तो सेम है लेकिन डेंसिटी चेंज करेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ कर दें वन ये टू, डेंसिटी वन डेंसिटी टू, क्योंकि चार्ज तो सेम होगा डेंसिटी चेंज कर जाएगा। ये हो गया आपका। अब इसी पर एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था नीट का, उसको भी हम लोग कर ही लें लगे हाथ। नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वह क्वेश्चन था, उसको आप जानिए, इफ ए चार्ज, नीट का है और ये इसी बार का है 2019 का AISSCE। ठीक है, नीट, इफ ए चार्ज -150 nC -150 nC इज गिवन टू ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, इज गिवन टू ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल एंड ए चार्ज +50 nC एंड ए चार्ज +50 nC इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, देन द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल, then the charge on inner and outer cell, inner and outer cell is given by pahla minus 50 nC -100 nC
फिफ्टी नैनो कूलम माइनस 100 नैनो कूलम सेकेंड, माइनस 50 नैनो कूलम प्लस 50 एंड माइनस माइनस 200 नैनो कूलम थर्ड, माइनस 50 नैनो कूलम माइनस 200 नैनो कूलम फोर्थ, प्लस 50 नैनो कूलम 100 नैनो कूलम इतनी बातें आपके सामने हैं। अब इसको देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। ए चार्ज माइनस 50 नैनो कूलम इज गिवन टू ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल एंड ए चार्ज प्लस 50 नैनो कूलम इज प्लेस एट इट्स सेंटर देन द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सेल। देखिए बड़ी चतुराई से लिखा है, बच्चा कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, 50 नैनो कूलम को तो आप सेंटर पर डाल ही दो, प्लस 50 नैनो कूलम। अब यहां पर इसको देखिए, प्लस 50 है तो ये क्या होगा माइनस 50। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये इनर का जो है वो माइनस 50 है, तो देखिए इसमें चॉइस जो आपको चुनना होता है तो ये दोनों आपको है, ये दोनों तो कट गया पहले आप जान लीजिए। ठीक है, अब बात थी क्या चार्ज माइनस 50 नैनो कूलम इज गिवन टू ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, यहां पर गिवन टू आउटर इज गिवन टू ए कंसेंट्रिक आउटर, यहां दे देना था कंसेंट्रिक आउटर स्फेरिकल सेल, तो यहां पर माइनस 150 नैनो कूलम। जल्दीबाजी में यदि कोई करेगा तो देखिए यहां माइनस 50 है, इसको भी माइनस 50 कर ले, बस 200 वाला मार देगा, 200 वाला में देखिए। लेकिन यहां पर यहां संजोग ऐसा है कि ये चॉइस नहीं दिया, नहीं तो चॉइस दे सकता। तो ये हो गया। अब ये देखिए ये पहले से ये इतना था ही, यहां माइनस 50 नैनो कूलम है तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 50 नैनो कूलम। अब देखिए ये तो आपका हो गया माइनस 50 नैनो कूलम, इनर में तो क्लियर है, आउटर में ये क्या हो गया माइनस और ये प्लस मिलके माइनस 100 नैनो कूलम हो गया। तो माइनस 100 नैनो कूलम, माइनस 100 नैनो कूलम, देखिए पहला वाला आ गया, हो गया। तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो ये भी हो गया। अब हम लोग आगे चले, आगे देखते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। फिजिक्स से हो भैया मजा आ जाए, चलिए अब चले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज अब देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर, तो एडिटिव नेचर क्या है कि जितने भी चार्जेज हैं किसी भी बॉडी पर वो सब के सब क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये कैसा होता है, अलजेब्रिक सम होता है। और हमेशा जानिए एडिटिव नेचर मीनिंग है कि वाट एवर चार्जेज गिवन टू द बॉडी all would be added algebraically, है ना। अब सपोज कि Q1, Q2, Q3 एंड सो डॉट डॉट Qn इतना चार्जेज है किसी बॉडी पर, तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज या नेट चार्ज, ये हो जाएगा Q1 Q2 प्लस हो जाएगा Q3 एंड सो डॉट डॉट Qn, ये हो जाएगा नेट चार्जेज, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कहें कि कोई चार्ज है, सपोज क्वेश्चन ही आया, सपोज Q माइनस 2Q प्लस 3Q 4Q चार्जेज सप्लाइड टू द बॉडी, व्हाट विल बी चार्ज ओवर बॉडी, आंसर क्या होगा इसका, सिंपल सा अलजेब्रिक सम होगा, दैट इज क्यू नेट चार्ज इक्वल्स क्यू माइनस या प्लस, देखिए प्लस प्लस 3Q प्लस प्लस 4Q सबको जोड़िए क्या होगा, ये सबको जोड़ेंगे तो होगा क्यू 4Q 8Q माइनस 2Q 6Q, इतना हो गया चार्ज। तो एडिटिव नेचर। नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, एक बात यहां देखना है कि चार्जेज जो है क्वांटाइज्ड होते हैं, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होते हैं। जिस तरह से आप लोग एनर्जी पढ़े थे, एनर्जी क्या होता है क्वांटाइज्ड, 11th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे एनर्जी क्या होता है, एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में होता है nh न्यू। अब देखिए ना, जहां n क्या इंटीजर है 1, 2, 3, उसी तरह से ये चार्ज जो है वो अभी क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स में रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे क्या, क्यू इक्वल्स प्लस माइनस एन ई। देखिए एनर्जी इज क्वांटाइज, सॉरी चार्ज इज क्वांटाइज्ड लाइक द एनर्जी, ठीक, तो क्यू इक्वल्स प्लस माइनस एन ई, ठीक है, एन जहाँ क्या है 1, 2, 3 एंड सो डॉट इंटीजर्स है, एन इज योर इंटीजर्स। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज यहाँ देखें, क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम देखें कि क्यू जो है दैट इज 1 कूलम है, नंबर ऑफ टर्न्स हमको कह रहा है, कोई कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता है 1.6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अब कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज में, क्वेश्चन आता है बार बार,
कई बार ये क्वेश्चन आया, हाउ मैनी क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, वन कूलम्ब सब के बदले दे दिए, क्यू के बदले वन कूलम्ब, एन निकालना ही है, ई के बदले 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, कूलम्ब कूलम्ब कट गया, आया क्या एन इक्वल्स हो गया 1/1.6 10 टू द पावर माइनस 19 आ गया ना। अब देखिए यहाँ हो गया 10 पार्ट इतना और 1.6। अब इसको यदि देखते हैं तो यहाँ पर ले लें क्या 10 ले लेते हैं, 10/1.6 कर देते हैं, ये 10^18 हो गया, ये ऊपर चल गया, ये कैंसिल। अब क्या हुआ, ये इसको यदि काटेंगे 16/96 चार बचता है और 4 को 16 में डिवाइड करेंगे 16 भाग में तो 1/4 होगा, इसलिए ये होगा 6.25 इंटू 10^18, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपका आंसर। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज के बाद फिर बात आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज मीन्स क्या, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। कैसे, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज, इट कैन ओनली चेंज, है ना। उसी तरह से चार्ज के बारे में भी कहा जाएगा, चार्ज कैन नाइदर बी, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, चार्ज कैन, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज, इट कैन ओनली चेंज। ठीक है, तो उसी तरह से ये हो गया। अब जैसे देखिए ग्लास रॉड पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज आया, ग्लास रॉड पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया, सिल्क क्लॉथ पर जितना नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, जितना नेगेटिव चार्ज आया, तो टोटल यदि ग्लास रॉड और दोनों को जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन क्या, ऑन ग्लास रॉड प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ, क्या होगा, सब मिल करके जीरो हो जाएगा। और पहले भी क्या था, ग्लास रॉड पर जो टोटल चार्ज था, सिल्क क्लॉथ पर जो टोटल चार्ज, तो दोनों जीरो था, जीरो ही था, दोनों फिर मिल करके जीरो हो गया। तो दिस इज कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस पर क्वेश्चंस आते हैं क्या, नेम एनी टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बार बार आया, नेम एनी टू बेसिक क्वेश्चन आता है, नेम एनी टू बेसिक, टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आंसर क्या होगा, पहला
देंगे बेसिक तो यहाँ दे देंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरा दे देंगे कंजर्वेशन नेचर ऑफ चार्ज, तीसरा आप दे सकते हैं क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज, तीन में से कोई दो दे देंगे। तो इस तरह से ये चार्जेज के बारे में हम लोग आज पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, क्या है कि नहीं? ओके, इस तरह से मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आवा फिजिक्स पर फिजिक्स का मज़ा लेते रहिए। ओके, धन्यवाद।